नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक के भाग एक, महिलाओं से संबंधित, महिला एवं बाल विकास से संबंधित अधिनियम और योजनाओं के भाग एक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम इससे पहले बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तीन पाठ हम पढ़ चुके हैं और ये उसका चौथा पाठ है। इसका मतलब भैया हम तीनों पाठ का रिविजन करने वाले हैं इस पाठ में। तो इस पार्ट में बिल्कुल भी किसी भी तरीके के एक्सप्लेनेशन को उम्मीद मत रखिएगा, मैं पहले बता दूं, क्योंकि इससे पहले तीन पार्ट जब मैं बताया हूं उसमें हर एक क्वेश्चन करके एक ऑप्शन, उसमें एक शब्द का मतलब समझा के पढ़ाया हूं। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं इस क्लास को उनके लिए फ्रूटफुल है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को जरूर जाके वो तीन पार्ट देखिए, फिर आप इस चौथे पार्ट में आइए तो आप भी कॉन्फिडेंटली इसके सारे ऑप्शन को आप टिक करते चलेंगे कि उन्हीं क्वेश्चन का रिविजन है और फास्ट तरीके से इसमें रिविजन होगा। क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होगा, उसका आंसर होगा। आपको कैसे काम करना है सर, क्वेश्चन सुन लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लेके टाइप कीजिए, फिर वीडियो प्ले करके उसका सही आंसर मैच करते चलिए। आंसर आपको टाइप करना है, जो हमारे पुराने बच्चे तीन पार्ट से जुड़े हैं उनको तो आंसर टाइप करना है, उनमें जा रहा उनका पूरा 31 क्वेश्चन का आंसर सही होगा, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोग पढ़े हर चीज को समझ करके। चलिए बिना ही समय व्यर्थ किए चलते हमारे सेशन की ओर। चलिए भैया, अर्जुना क्लास हमारे की, अर्जुना क्लासेस में सीजीपीएससी प्री मेंस प्री कम मेंस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और सीजी व्यापम की क्लासेस शुरुआत हो चुकी हैं। जिनको भी जानकारी लेना है इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लें और जरूर अपना लाभ सुनिश्चित करिए, क्योंकि लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ से, सिलेक्शन से परसेंटेज बढ़ते जा रही है, तो आप भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। फिलहाल जिनको जानकारी थी उनके लिए, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम इस पर, हमारे महिला पर्यवेक्षक की, क्योंकि सूचना मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग फोन करते हैं तो माध्यम यही है ना, हम सबको सूचित कर दें। आप उसको एक भी ऐसे जरूरतमंद होगा जिसको सूचना चाहिए तो फिर उसको ही फायदा हो जाएगा ना, ये उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। हमारे अर्जुना क्लासेस में महिला पर्यवेक्षक के लिए ऑनलाइन और डिमांड पर ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, तो आप उनसे भी जुड़ करके अपना लाभ सुनिश्चित कर सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लास, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स सब मिल रहा है। तो वीडियो क्लास देकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है तो नोट्स बनाने का टेंशन खत्म, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो टेंशन खत्म, एग्जाम के एनवायरमेंट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आप खुद क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आपका मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे आप। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंतर को मिटाने के लिए अर्जुना की एक नई मुहिम में हम काम कर रहे हैं, वो है फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। अर्थात ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि बच्चे पूछते हैं सर अगर मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूँ तो अपना डाउट कैसे पूछूंगा सर, ऑफलाइन तो हम सामने बैठेंगे तो पूछ सकते हैं। उसी को रिजॉल्व करने के लिए हम ये लेके आए हैं फ्री लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, कि आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे उसका तो खुद आपको एक शेड्यूल बता दिया जाएगा, यह डेट यह टाइम इस पर लाइव आने वाले हैं आपके टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर, और उनसे आप अपना डाउट क्लियरली लाइव ही पूछ पाएंगे और सर लाइव ही उसका आंसर भी देंगे, आपको समझाएंगे भी, एक्सप्लेन करेंगे। तो उस अंतर को ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंतर को खत्म करने के लिए अर्जुना की ये मुहिम है, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इससे बहुत सारी फैसिलिटीज देख रहे हैं आप, वीडियो क्लास है, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, फ्री स्टडी टाइम टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई जानकारी चाहिए तो उसको आप इस नंबर पर कॉल करके और जानकारी ले लीजिए, और साथ ही साथ आपको बता दूं, जो इनका बहुत लोगों का डिमांड था, इसको बहुत हर्षता और उल्लास के साथ मैं बताता हूँ हमेशा, कि महिला सुपरवाइजर का, अर्जुना क्लासेस का हमारे डायरेक्टर सर के, विजय कुमार द्विवेदी सर के विशेष मार्गदर्शन में आने वाला है महिला सुपरवाइजर का बेस्ट एंड बेस्ट पुस्तक बुक, लेकिन जल्द ही आपके नियर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो जरूर उस बुक से जुड़िए, उससे अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से सर ने उसको बनाया है भैया। दूसरी बात, हमारे जो पहले ही महिला सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है और प्रमोशन होकर के बड़े अधिकारी पहुँच चुके हैं, उनका भी मार्गदर्शन इस पर लिया गया है, ताकि और ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो इस तरीके सब तरीके से मिला करके इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, और जरूर आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो जल्द वो आने वाला है, हड़बड़ाइए मत, मार्केट में लॉन्च होगा, उसका कवर पेज भी रेडी हो गया है, वो पुस्तक आपको अवेलेबल होगी। अब चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, सारी जरूरी सूचनाएं देने के बाद 440 पद में खुद के लिए एक पद सुनिश्चित करें। आइए आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसका आज चौथा पार्ट है, और चौथा पार्ट है मतलब इससे पहले तीन पार्ट डल चुके हैं, तो रिविजन कर लीजिए। अब इसमें केवल रिवीजन होगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, पहले स्पष्ट कर दिया हूं। क्वेश्चन ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर टाइप करते चलना है मेरे साथ, ठीक, रॉकेट की स्पीड में। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर टाइप कीजिए, फिर वीडियो प्ले करके आंसर मैच कीजिए, मैं कंटिन्यू बोलता चलूंगा, ठीक। आइए, प्रश्न एक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, आंसर है 10 जनवरी 2007 को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूरे देश में कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2007, 10 दिसंबर 2007, 26 दिसंबर 2007, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2007। तो 10 जनवरी 2007 को इसको राष्ट्रपति ने परमिशन दिया, 10 जनवरी 2007 को, और 1 नवंबर 2007 को लागू हो गया।
चलिए चलते नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहाँ लागू नहीं है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, पौंडिचेरी में, उपरोक्त सभी में। आंसर कैसे टाइप करना है? जैसे तीन कहे तो तीन ए तीन बी, बस इतना ही लिखना है। ठीक, सही आंसर इसका कि पौंडिचेरी में वो लागू नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप सबके सामने दिया हुआ है, पहले पढ़ा चुका हूं, पढ़ लीजिए। चलिए चलते आगे, क्वेश्चन फोर है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक शब्द से तात्पर्य है, बालक शब्द से क्या तात्पर्य है? ए ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष से कम हो वो बालक होंगे, ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम हो वो बालक होंगी, ए और बी दोनों, मतलब दोनों ही समाहित है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सर ए और बी दोनों, मतलब ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष से कम हो वो भी बालक है और ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम है वो भी बालक है। क्लियर हो गई बातें? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं तो फास्ट तरीके से इसलिए बोलते जा रहा हूँ, कंटिन्यू कराते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सब क्वेश्चन इसके तीन पार्ट पढ़ाए हूँ मैं, है ना। ये रिविजन क्लास है, बार बार बोल रहा हूँ, तो आप नहीं देखें तो जरूर इससे पहले तीन क्लास देखिए, तभी आपके लिए क्लास फ्रूटफुल है। ठीक, क्योंकि हम एक चीज को समझाए हुए या कोई एक्सप्लेनेशन और आपका समझाना नहीं होगा, ये रिविजन के लिए है, जो बच्चे कंटिन्यू जुड़ के पढ़ रहे हैं उनके लिए। प्रश्न पांच, हाल ही में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने का बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, कब पारित किया है? इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु होगी, बताइए। तो हाल ही में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने का बिल केंद्र सरकार द्वारा पारित किया है, इस बिल के अगर पास होने के बाद महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? अगर नया बिल पास हो गया तो अभी 18 वर्ष है, मगर इसके पास होने के बाद क्या हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, या 25 वर्ष हो जाएगी महिलाओं की शादी करने का उम्र? सही आंसर है 21 वर्ष हो जाएगी अगर ये बिल पास हो गया तो। आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(1) के अधीन कौन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है, कौन अधिकारी नियुक्त कर सकता है? तो इस धारा के बारे में जानकारी मिल गया और उस पर चलेगा कौन नियुक्त करेगा, तो बताइए, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट। नियुक्त कर सकता है भैया आपका राज्य सरकार, नियम बना सकते हैं भैया, इससे जुड़ा हुआ, इस अधिनियम से जुड़ा नियम बना सकता है राज्य सरकार, दंड दे सकता है, आप अर्जी दे सकते हैं जिला न्यायालय में। चलिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है? 2 के क में, 2 के ख में, 2 के ग में, 2 के घ में, ऐसे ऑप्शन देखेंगे, चकरा करके आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए बोला था तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। आंसर सर सही इसका 2 का ख। ठीक, याद भी कराया था, बाल विवाह 2 शब्द है और क ख ख दूसरे नंबर पे आता है, तो ख दूसरे नंबर पे, बाल विवाह 2 शब्द है, इसलिए 2-2 करके याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाहों से जन्मे बालक समझे जाएंगे, तो बाल विवाहों से जन्मे बालक क्या समझे जाएंगे? धर्मज बालक समझे जाएंगे, अधर्मज बालक समझे जाएंगे। धर्मज बालक यदि विवाह बंधन में आने वाले पक्षकार साथ में रहने का निश्चय करें वो समझे जाएंगे, ये इनमें से कोई नहीं। सर इसका क्या मतलब है? इससे पहले तीन पार्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर है दोस्तों कि वह धर्मज बालक ही समझे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वयस्क पुरुष की आयु? 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या 24 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक, जो 21 वर्ष मार रहे वो गलत हैं, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सर टाइम ही नहीं दे रहे आंसर टाइप करने का, मैं दूंगा ही नहीं, मैं पहले बता गया हूँ। प्रश्न पढ़े, ऑप्शन सुने, वीडियो पॉज करके आंसर टाइप कीजिए, फिर प्ले करके आंसर देखिए ना भाई, मैं तो कंटिन्यू बोलूंगा ना, ताकि आपका वीडियो जबरदस्ती का लंबा ना हो, है ना। आइए प्रश्न 10, क्योंकि आपको अपनी तैयारी जांचनी है, मैं तो आपकी तैयारी करवा दिया, तो आप इतना मेहनत करेंगे ना। आइए प्रश्न 10, 18 वर्ष से अधिक के किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका से विवाह करने पर दंड है, 18 वर्ष से अधिक के किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका से विवाह करने पर दंड है, क्या दंड है? कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो, या जुर्माना जो 1,00,000 रुपए तक हो, तक का हो सकेगा, या दोनों ही? फिर कठोर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो, या आप आंसर टाइप कीजिए जिसको पता है, 1 वर्ष तक की हो, या जुर्माना जो 2,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ही? कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो, या जुर्माना 5,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ही? कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो, या जुर्माना जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ही? बताइए, जो वयस्क पुरुष किसी बालिका से विवाह करता है तो उसको कितना दंड होगा, सही आंसर क्या है?
कि उसको 2 वर्ष का दंड होगा। हाँ, तो आंसर आ गया कि कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो, या जुर्माना जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों ही यानी कि आंसर सही, कि उसको भाई कठोर कारावास 2 साल तक का हो सकता है और जुर्माना उसको 1,00,000 रुपए तक का लग सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है, या तो 2 साल का कठोर कारावास हो गया, ये 1,00,000 रुपए जुर्माना लग गया, या फिर दोनों भी लागू हो सकता है उसके ऊपर, अगर वो बालिका से विवाह कर रहा है कोई वयस्क आदमी 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति। तो अगर आप 18 वर्ष से उम्र के अधिक है, आप वयस्क हो चुके हैं, मतदान आप कर रहे हैं, और अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपकी शादी की उम्र 21 वर्ष है, तो आप ऐसे भी इल्लीगल हो गए, और किसी बालिका शादी कर रहे हैं तो भी इल्लीगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न 11, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है? बालक स्वयं को दंडित कर सकता है, माने उस बालक को दंड देंगे जिसका हो रहा भैया, या बालक के पिता को दंड दिया जा सकता है, या बालक की माता को दंड दिया जा सकता है, इन सभी को दंड दिया जाएगा अगर ये बाल विवाह कर रहे हैं तो। बताइए किसको दंड देंगे? सर इसका सही आंसर है बालक के पिता को दंड दिया जा सकता है, उस स्वयं बालक को या उसकी माता को नहीं मिलेगा। ये भी आपको समझाया था मैं, इससे पहले 3 क्लास देख सकते हैं। प्रश्न 12 है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना सकता है, या जिला मजिस्ट्रेट बना सकता है? तो नियम बनाएगा कभी भी विधायिका, राज्यों की विधायिका होती है राज्य सरकार, बात खत्म। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरसित कर दिया है? जब यह अधिनियम आया तो इससे पहले पुराना कौन सा अधिनियम था जिसको इसने हटा दिया? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को हटा दिया, निरसित कर दिया, विशेष विवाह अधिनियम 1954 को निरसित कर दिया, बाल विवाह अवषेध अधिनियम 1929 को निरस्त कर दिया या निरसित कर दिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने निरसित कर दिया है बाल विवाह अवषेध अधिनियम 1929 को, मतलब इससे पहले भी एक नियम होता हुआ करता था 1929 वाला। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालकों को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो आप देखते हैं बाल विवाह को 2 के ख में परिभाषित किया था, और बालक को किसमें परिभाषित किया है? 2 के क में, 3 के क में, 2 के ग में, 3 के ग में। सही आंसर है सर धारा 2 के क में, धारा 2 के क में परिभाषित किया गया है बालक को। तो देखिए क में क एक नंबर पे आता है तो एक ही शब्द है बालक, तो बालक बोले तो एक नंबर एक ही शब्द है, एक हो गया क एक नंबर पे आता है, ख दूसरे नंबर पे आता है, तो उसमें 2 शब्द आएंगे बाल विवाह, तो बाल विवाह परिभाषित किया 2 ख में, बालक परिभाषित किया 2 क में, ऐसे याद रखेंगे, हिंट बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुष बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की हो, मतलब आप किसको बोलेंगे पुरुष बालक? पुरुष बालक आप किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, जिसने पूरी नहीं की है 18 वर्ष की आयु, जिसने पूरी नहीं की है 20 वर्ष की आयु, जिसने पूरी नहीं की 21 वर्ष की आयु, आप किसे कहेंगे बालक? सो द राइट आंसर इज 21 वर्ष की आयु। अब आपको लगेगा सर 18 वर्ष से जो छोटा होगा वो बालक कहलाएगा, मगर दोस्तों इस अधिनियम में क्योंकि आपके विवाह की बात करिए तो विवाह के रूप में आप 21 वर्ष के होंगे तभी विवाह योग्य है, 21 वर्ष से आप कम है तो दोस्तों आप बालक ही हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। याद रखिएगा 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी पुरुष बालक कहलाएगा, कोई भी पुरुष बालक कहलाएगा, है ना। बालक विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका, देखिए बालक कौन हो गया 21 वर्ष से कम आयु वाला पुरुष बालक हो गया, और ये बताइए बालिका कौन कहलाएगी? सेवृत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, जिसने पूरी नहीं की 18 वर्ष की आयु, जिसने पूरी नहीं की 20 वर्ष की आयु, या जिसने पूरी नहीं की 21 वर्ष की आयु, कौन कहलाएगी बालिका? सही आंसर है, आंसर कमेंट में टाइप कीजिए, सही आंसर है इसका सर 18 वर्ष की आयु। कोई भी ऐसी लड़की जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है वो इस अधिनियम के अंतर्गत बालिका ही है, तो 18 वर्ष से पूरी नहीं की है तो बालिका, 21 वर्ष पूरी नहीं की है तो बालक। क्लियर हो गया बात? चलिए भैया वोटिंग 18 साल की उम्र में डालते हैं, मगर इसके अंतर्गत बालक बालिका का परिभाषा अलग है, बालक 21 वर्ष से कम उम्र का, बालिका 18 वर्ष से कम उम्र की। शारदा एक्ट अपने आप बहुत ही फेमस एक्ट है, क्योंकि इस क्षेत्र में इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी भी है, कभी मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। इस बाल विवाह के क्षेत्र में बहुत बड़ा माइलस्टोन था शारदा एक्ट, और उसे शारदा ऐसे ही नाम नहीं है, वो जुड़ा हुआ है कहानी से,
तो इस पर चर्चा कर लेंगे, आप खुद देखिएगा। चलिए, सारदा एक्ट लागू होने के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? चेंसफोर्ड थे, कर्जन थे, इरविन थे, इनमें से कोई नहीं। याद करने का टेक्निक भी बताया था सर, आंसर है इसका। कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, कमेंट कम क्यों हो रहे हैं आपके, कमेंट कीजिए। सर आंसर है इसका इरविन, है ना, इरविन। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, कि यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है तो उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत सजा होगी, कितनी सजा होगी उसे? उसे 2 साल का कारावास होगा, 1 लाख का जुर्माना होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है, माने बाल विवाह कर ले रहा है, तो उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत कितनी सजा होगी? 2 साल की सजा होगी, 1 लाख रुपये जुर्माना होगा, ए और बी दोनों होंगे। तो आंसर पहले भी पढ़े हैं, इससे पहले ही, इसे उसे 2 साल का कारावास होगा, 1 लाख रुपये जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकता है। तो हमसे 2-1 याद रखना है, 2-1। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह शून्यकरण माना जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सर इसका बताइए, धारा 3, धारा 5, धारा 10, धारा 12। आंसर बताओ मेरे यारा, धारा धारा आंसर बता दो मेरे यारा, कौन सा है वो धारा? सही आंसर है धारा 3 में शून्यकरण मानने का बात किया गया है, कि बाल विवाह को शून्यकरण हो जाएगा धारा 3 के तहत, अगर वो उसमें फिट बैठेगा तो। ठीक, धारा 3 के तहत याद रखेंगे शून्यकरण। कैसे याद रहा था? 3 में से जोड़ेंगे तो लगभग शून्य जैसा दिखने लगेगा, ऐसे जोड़ देंगे तो शून्य की तरह दिखने लगेगा, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह से संबंधित है? ए राय साहब हरविलास, पंडित रविशंकर शुक्ल, जगमोहन प्रसाद मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। इसको भी याद करने का हिंट बताया था कि हर व्यक्ति को बाल विवाह का विरोध करना चाहिए, तो हर व्यक्ति से हो गए हरविलास साहब, क्योंकि बाल विवाह से संबंधित है। क्लियर हो गई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सुरक्षा बल का प्रयोग कर सकते हैं? धारा 6 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत, धारा 13 के अंतर्गत, धारा 20 के अंतर्गत। मैं फिर बताया था कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो मैं मजिस्ट्रेट बन जाता सुरक्षा बल का उपयोग कर पाता, और तुझ पर तो मैं वो लाठी बरसाता। सर इतना गाना क्यों गाए? ऐसे ही गाने से याद करवाया था इसीलिए, इसमें तेरा घाटा, जब मैं मजिस्ट्रेट बन जाता और लाठी बरसाता, तो मजिस्ट्रेट 13 घाटा से धारा 13 में दिया गया है, लाठी बरसाएंगे सुरक्षा बल से, तो क्लियर। चलिए फन के साथ याद कीजिए ना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सर इसका भी आंसर आपको याद करवाया था कि इसका सही आंसर है केवल जिला न्यायालय में ही, और ये क्यों है बता चुका था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले के वीडियोस देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूं, देखिए बहुत अच्छे से सुनावे का क्वेश्चन को, याद करने छोटे छोटे हिंट बनाए हम लोगों ने। बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है? तो अर्जी आप कब देंगे? बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 6 माह पहले आप अर्जी दे सकते हैं, बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पहले आप अर्जी दे सकते हैं, बालक के वयस्कता की आयु प्राप्त करने से 1 वर्ष पूर्व आप अर्जी दे सकते हैं, या कभी भी आप अर्जी दे सकते हैं। इसका भी आंसर याद कराया था मैं कि बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है। सही आंसर है 2-2 याद करें, 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास वैसे ही कब याद करवाया था, आज अभी आंसर कि बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व ही आपको अर्जी डालनी होगी, 2 वर्ष पूरे पूरे करने से पूर्व, 2 वर्ष पहले पूर्व करने पूरे करने से पूर्व आपको अर्जी डालनी होगी भैया शून्य घोषित करने के लिए। आइए, बाल विवाह के संबंध में असत्य कथन है क्या है? 1, बाल विवाह से जन्मे बच्चे अधर्मज होते हैं। बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। C. 3, बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। या 4, 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। इनमें से कौन सा जो कि असत्य है? सही आंसर है इसका 1 और 4। इसमें 1 असत्य है कि बाल विवाह से जन्मे बच्चे अधर्मज कहलाती है, बात गलत है, क्योंकि आप पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया हूँ कि बाल विवाह से जन्मे बच्चे धर्मज होते हैं ना कि अधर्मज, इसलिए अधर्मज कर दे इसलिए गलत हो गया, तो ये धर्मज होना चाहिए था। फिर बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय में डालते हैं, बात सत्य ही है। बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू, ये भी बात सत्य है, पुडुचेरी में लागू नहीं है। फिर अगला, 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है, ये बात गलत क्यों हो गया? क्योंकि 18 वर्ष से, 18 होना था,
18 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है, और पुरुष देवता अगर यहाँ महिला जब पुरुष बोलता है तब 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष बालक कहलाता है। क्लियर? तो पुरुष के लिए 21 वर्ष, महिला के लिए 18 वर्ष है, 21 देश के लिए गलत हो गया। क्लियर? चलिए, तो सत्य कथन हो गया एक और चार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साथ से बोल दिया ना, थोड़ा सा पानी पी लें, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप पढ़िए। चलिए भाई बताइए कि बाल विवाह के अंतर्गत नियम कौन बना सकता है? कौन नियम बना सकता है बाल विवाह के अंतर्गत? कोई भी विधायिका ही बनाएगी तो कौन है वो? केंद्र सरकार बना सकता है नियम, राज्य सरकार बना सकता है नियम, सी ए और बी दोनों बना सकते हैं नियम, या डी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना सकता है नियम। तो अधिकारी के बारे में तो पहले भी बता दूं, अधिकारी भैया या तो केवल केवल आपको जागरूक कर सकता है इस क्षेत्र में, इस बाल विवाह से जुड़े हुए सबूत एकत्र कर सकता है, इस पर रोक लगा सकता है। ठीक, तो जागरूक कर सकता है, सबूत एकत्र कर सकता है और रोक लगा सकता है, ये अधिकारी का काम है। दंड देना इसका काम नहीं है। क्या इसका काम? दंड देना नहीं है, नियम बनाना इसका काम नहीं है। तो डी तो ऐसी कैंसिल। अब बचे तीन ऑप्शंस, बताइए कौन बनेगा करोड़पति? नहीं नहीं कौन बनेगा? हाँ ये तो पत्नी बनने वाला है ना। कौन बनेगा महिला पर्यवेक्षक? उसके सेंसर में आपका स्वागत है। हाँ बताइए कौन सा आंसर लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों। सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार, कि बाल विवाह के अंतर्गत नियम बना सकता है राज्य सरकार। क्लियर होगी बात? चलिए, अरे भाई ऐसे भी महिला सुपरवाइजर बन रही है, महिलाओं का ही तो राज होता है अपने घरों पे, ऐसे याद रख लीजिए। वही तो नियम बनाती है घर का, ये सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है। हाँ ऐसे याद रख लीजिए। बाल विवाह के बंधन में आने वाला पक्षकार यदि अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? तो बाल विवाह के बंधन में आने वाला पक्षकार अगर अवयस्क है तो भी अर्जी कौन प्रस्तुत कर सकता है? संरक्षक प्रस्तुत कर सकता है, वाद मित्र प्रस्तुत कर सकता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी प्रस्तुत कर सकता है, उपरोक्त सभी। इसको बहुत अच्छे से इसमें एक एक शब्द का मतलब मैं समझाया था, उस सेशन को देख लीजिए, पार्ट तीन में हो गई है। ठीक सर, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्लियर? इस पे भैया अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं संरक्षक भी, वाद मित्र भी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका संज्ञेय होता है। तो बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण, जो बाल विवाह हुआ दो लोगों का और सिर्फ बच्चे का जन्म हो गया, तो उस बच्चे के भरण पोषण और उसकी अभिरक्षा का आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? भैया इसका भरण पोषण कौन करेगा? लड़का करेंगे, लड़की पक्ष करेंगे, कौन करेगा? तो उसके भरण पोषण, उसके अभिरक्षा से जुड़ा हुआ आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने, महानगर मजिस्ट्रेट के सामने, जिला न्यायालय के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने। कहाँ प्रस्तुत करेंगे अर्जी? सो द राइट आंसर आप टाइप कीजिए, तब तक मैं बता दूं इसका सही उत्तर है जिला न्यायालय। ठीक, इसमें जिला न्यायालय ही याद रखना है आपको। अगला, बाल विवाह अधिनियम में जिला न्यायालय के संबंध, जिला न्यायालय बार बार आ गया, तो जिला न्यायालय के संबंध में ही कौन सा कथन गलत बताना है भैया आपको? तो बाल विवाह को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है, तो सही बात है। कुटुंब या पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है, आता कि नहीं आता है आप बताइए। आपको आंसर टाइप कर देना जो भी पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं, पहले ही बता चुका हूँ, ये रिवीजन है। प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है। चौथा, जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है। इसमें क्या गलत है आपको बताना है? तो आंसर है भैया दो और चार गलत हैं, और क्यों गलत हूँ मैं बताता हूँ। दो बोला है कि कुटुंब और पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आते, गलत बात है, क्योंकि वो परिभाषा में आते हैं, नहीं की वजह से गलत हो गया। चौथा, जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है, ये बात गलत है। जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बहुत पावरफुल होते हैं, मगर फिर भी कभी भी वो जिला न्यायालय का जगह नहीं ले सकते, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है, तो ये बात गलत है, नहीं हो सकता है। ठीक चलिए, और प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होगा, ये बात गलत है। प्रारंभिक अधिकारिता वाला जो प्रधान सिविल न्यायालय है वो जिला न्यायालय होगा, ये बात सत्य है। बाल विवाह को निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में ही अर्जी दे सकते हैं, ये बात भी सत्य है। अर्जी कौन दे सकते हैं? तो वाद मित्र, संरक्षक और अधिकारी, ये बात पीछे आप पढ़ चुके थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को कितना दंड दिया जा सकता है? 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 50,000 रुपये जुर्माना?
दो वर्ष तक का कठोर कारावास या 1,00,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही, 3 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष का कारावास और 10,00,000 रुपए जुर्माना। इसका आंसर आप पढ़े थे 2121, याद रखो, दो वर्ष का कठोर कारावास या 1,00,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। तो आंसर हो गए 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1,00,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति कैसी होती है। अब इसको कहीं से सर से करा जाएगा, असंगे जमानतीय, संगे अजमानतीय, संगे जमानतीय, असंगे, अब सर घूम गया, असंगे संगे जमानतीय जमानती, पूरा कंफ्यूज। इसे बोलते प्रिसाइजली एक्यूरेटली याद रखिए भैया, इसको याद करने का एक हिंट बताया था, क्या बताया था मैं, सगा सगा, स से संगे होगा और अ से होगा अजमानतीय, है ना, ठीक याद रखना है, ठीक, स अगा सगा, संगे होगा और अजमानती होगा, तो संगे होगा और अजमानती होगा, स अगा, ठीक, स अगा बाल विवाह में झन फंसबेगा, तो संगे और अजमानती, सगा के स से संगे, अगा के सगा में अ जो है उसे अजमानती है, तो संगे और अजमानती होगा, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन है, क्या है गलत कथन, ए कि बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना, क्या बाल विभाग कोई कर रहा है उसके अनुष्ठान को आप रोक रहे हैं, तो क्या भाई ये गलत बात है, इस अधिनियम अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन बताना है। अगर वो अधिकारी बाल विभाग के अनुष्ठान को रोक रहा है तो क्या वो गलत बात बोला, नहीं, उसके कार्य में आता है भाई रोकना, ठीक है। अधिनियम को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए साक्ष्य एकत्र करना, भाई साक्ष्य एकत्र करना भी अधिकारी का काम है, उसको रोकना भी अधिकारी का काम है, साक्ष्य एकत्र करना भी अधिकारी का काम है। बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना गलत बात है, क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को होता है, पहले ही बता चुका था। फिर बाल विवाह के मुद्दे पर लोगों को जागृत करना, हाँ ये भी काम है, जो बाल विवाह निषेध प्रतिषेध अधिकारी है वो लोगों को जागरूक करेगा कि बाल विवाह मत कीजिए आप, वो लोगों को रोकेंगे ऐसा करने से, और साथ ही साथ वो साक्ष्य एकत्र करेंगे जो कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये 3 काम उनका है, दंड देना नियम बनाना उनका काम नहीं है, इसलिए इसमें असत्य हो गया, सी, क्लियर, सी, बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना उनका काम नहीं है, दंडित करना न्यायालय का काम है, नियम बनाना राज्य सरकार का काम है, तो ना ये नियम बना सकते हैं ना दंड दे सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं, साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं लोगों को, क्लियर होगी बात है, चलिए। हाय भैया खत्म। इस तरीके से हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बहुत ही अच्छे से समाप्त होता है, और जब ये समाप्त हो गया इसको हमने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं, आप क्वेश्चन का स्तर समझ चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं इसके सारे क्वेश्चंस करा सकूं, उसके हर एक अनुच्छेद याद कराऊं तो उससे के क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर उसके कूट से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सिर्फ उसी एक्ट से मैं 100-200 क्वेश्चन बना सकता हूं। अब आपको मैं क्वेश्चन का स्तर दिखा दिया, लेवल दिखा दिया, किस तरीके से कूट में डालेगा, कैसे गलत सही घुमाएगा, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन जब मैं करा दिया हूं, तो आप किसी भी अधिनियम को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कम पढ़ना है, प्रिसाइज और एक्यूरेट पढ़ना है, रिवीजन बार बार क्यों करना है, ये सब आप समझ चुके होंगे इनका महत्व, ठीक है। इसलिए इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे तैयारी कीजिएगा, उसके बाद हम किसी और अधिनियम के आप वीडियोस लेकर के आएंगे, उसके भी वैसे ही कोई कम क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे 2 या 3 पार्ट में जो भी होगा, और कम क्वेश्चन को 1 पार्ट में पढ़ लेंगे, उसको रिविजन कर लेंगे, तो पार्ट्स पढ़ेंगे फिर रिविजन, पार्ट्स पढ़ेंगे फिर रिविजन, इस प्रिंसिपल पर ही काम करेंगे। अगर आपको मुहिम अच्छी लग रही है अर्जुना की, तो जरूर दोस्तों अपने लाइक, अपने कमेंट्स, अपने शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जाहिर कीजिए, क्योंकि देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन, जब हम ऑनलाइन आप और मैं उपस्थित हैं यहाँ पर, तो मैं आपसे सामने तो बैठ करके जान नहीं पा रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा है क्लास, तो आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट, अपना सहयोग केवल केवल चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस पे लाइक करके, वीडियोस को शेयर करके दिखा सकते हैं, और कमेंट करके दिखा सकते हैं कि हाँ सर हमको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, हमको ऐसी क्लासेस और चाहिए, आप क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा, बंद मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि हमको एक्चुअली उसी माध्यम से आपको प्यार सपोर्ट पता चलेगा, डिमांड पता चलेगा कि बच्चों को डिमांड है क्या, क्या चाहिए उनको, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक लोगों से शेयर करेंगे, तभी उसमें व्यू बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हम कोई ऐड नहीं लगाते कि ऐड लगा के व्यू हमने बढ़ा लिया, ऐसा हम काम नहीं करते, हम चाहते जेन्युइन बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंचे और वही इसको पढ़ाई करें और वो अपना लाभ सुनिश्चित करें। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जब शेयर होगा लगेगा कि ज़्यादा लोगों का व्यू जा रहा है तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, अन्यथा सीरीज बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगा सप्लाई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसी समय को फिर जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेस लिए हैं उनके लिए हम ये टाइम देंगे, उनको पढ़ाएंगे अलग स्पेशली, अगर आपके लिए अलग से हम टाइम निकाल के अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लाभ सुनिश्चित करें, अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंचे, उस कमजोर तबके वर्ग के बच्चों तक, ये बच्ची तक पहुंचे जो भैया सक्षम नहीं है कोई फीस पे करने में, उनको भी इससे तैयारी हो, उनको भी, उनकी भी इससे मदद हो जाए, है ना।
तो इसलिए आपका सहयोग चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए, तो आप शेयर कीजिए जरूर और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको जब नेक्स्ट वीडियो है तो मैसेज मिल सके। तो सब्सक्राइबर के बेल आइकन का बटन दबा देना, ऑल लिखा होगा वहाँ पे, तो आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा पता चल जाएगा कि अरे वीडियो आ गया, पढ़ लो है ना। ये बात ध्यान रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसी लग रही है, कंटिन्यू रखें या ना रखें, और मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये भी बताइएगा, मेरी पढ़ाने की स्किल कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब दिल से दुआ करता हूँ कि आप जरूर महिला परीक्षा का अधिकारी बने। आप इसे सब जो दिल लगा करके मैं जो जो बोलता हूँ कि रिविजन कीजिए, इस तरीके से पढ़िए, वो सब फॉलो कर रहे हैं, जरूर वो अधिकारी बनिए, मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए। सिलेक्शन हमको चाहिए इस बार, और कुछ ऑप्शन नहीं है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन ही है, चूकना है ही नहीं, माइनस मार्किंग करना ही नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।